ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं एक ऐसा प्रभावी चमत्कारी मोहिनी मंत्र लेकर आया हूँ जो कि किसी को भी आपके अधीन कर दे। एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई आपको ना दे। ये इतना चमत्कारी है जिससे कि किसी भी स्त्री पुरुष को देखते ही देखते अपने वशीभूत किया जा सकता है। इस मंत्र में तीन काली शक्तियां हैं जो कि आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम बनाने में आपकी सहायता करेंगी। ये इतना प्रभावी मंत्र है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है और ऐसा कोई जीव मात्र नहीं है जो कि इसके प्रभाव से अछूता रह जाए। लाखों लोगों पर आजमाने के बाद आज मैं ये मंत्र आपको दे रहा हूँ। आपने देखा होगा मेरे जो पिछले मोहिनी वीडियोस हैं उनमें जो सक्सेस रेट है वो 100% है। जो भी इसे करता है उसको असर दिखता है, लेकिन कुछ जो कुबुद्धि वाले हैं लोग उनका काम नहीं बनता है। तो जो भी चाहता है अपने साथी को अपने अनुकूल करना, अपने वश में कर लेना, वो इस काले जादू को प्रयोग में ला सकता है। ये मंत्र तब प्रयोग में किया जाता है जब सब कुछ विफल हो जाए, कोई भी मंत्र काम ना कर रहा हो और आप हार गए हों और जो आपकी इच्छा हो वो भी जवाब देने लग जाए। उस समय पर ये मंत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं है जो कि इसके प्रभाव से वंचित रह जाए। आपने बहुत पहले सुना होगा, किसी बूढ़े बुजुर्ग से सुना होगा कि उसका जादू तो सिर चढ़कर बोल रहा है। तो ये असल में यही मंत्र है जिसका जादू सिर चढ़कर बोलता है। सोते जागते खाते पीते 24 घंटे उसे सिर्फ आप ही का ध्यान रहेगा। ये इतना प्रभावी है कि सामने वाला जो है वो अपनी सुध तक खो देता है। उसके साथ क्या हो रहा है उसे ये नहीं पता चलता और ये मंत्र बैकग्राउंड में अपना काम करता रहता है। तो इसका प्रयोग तभी करें जब आपकी कोई पत्नी भाग जाए, पति भाग जाए या कुमति के कारण वो गलत संगत में चले जाएं। तो ऐसे में किसी को अपने गुलाम बनाने के चक्कर में इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जो दूसरों का अहित करते हैं उनके लिए मंत्र काम नहीं करेगा। अगर दिल में सच्चा प्रेम है तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं आँख मूंद कर और ये अवश्य आपको असर दिखाएगा। लेकिन कई कुबुद्धि होते हैं जो कि इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसा कतई ना कीजिएगा, क्योंकि ये काले जादू का मंत्र है, लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो ऐसा होता है कि कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो काम है वो तो एक दो दिन में ही बन गया, और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारा काम नहीं बना। तो देखिए, जिस तरह से हर एक आदमी, हर एक औरत जो है वो अलग होती है, उसका ऑरा अलग होता है, उसकी शक्तियाँ अलग होती हैं। क्या अब तक कितने प्रताप हों उसके पास, कितना उसने धर्म अर्जित कर रखा हो, तो हम कह नहीं सकते कि ये हर एक पर एक जैसा ही काम करेगा। लेकिन इस मंत्र में इतना सामर्थ्य है कि किसी को भी आपके वशीभूत कर सकता है। यदि मन में सच्चा प्रेम है और फिर आप इसको करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक रिश्तों में जो है मनमुटाव होने लग जाता है, पति जो हैं वो किसी तीसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो मंत्र है ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है। यूँ मानिए कि जो तीसरा व्यक्ति आया था वो दबे पैर कहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। वो जो तीसरा आदमी है या औरत है वो रातों रात ऐसे गायब हो जाएगा जैसे दूध के ऊपर से मक्खी गायब हो जाती है। तो इस मंत्र को जो है आपको सोच समझ कर करना है, जब कुछ ना दिख रहा हो उस समय पर करना है। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और उसके बाद जो है आपको इसका प्रयोग करना है, क्योंकि मंत्र थोड़ा लंबा है जो कि
अगर कंठस्थ नहीं हुआ और उस समय पर अगर आप करने बैठ गए तो वहाँ पर किंचित आप भूल भी सकते हैं। तो मंत्र जो है वो महाकाली का है और इसमें जो है अपार शक्ति है। मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ थोड़ा कह रहा हूँ, ज़्यादा समझिएगा। तो मंत्र सुन लीजिए। काली चले कपाल चले, कलवा चले अलोप, इन तीनों के बीच मोहम्मद वीर चले, बैठी हो तो चीरू मारे, खड़ी हो तो चीख मारे, चलो मेरे मंत्रो, मेरे गुरु का मंत्र साचा पिंड कांचा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। काली चले कपाल चले, कलवा चले अलोप, इन तीनों के बीच मोहम्मद वीर चले, बैठी हो तो चीरू मारे, खड़ी हो तो चीख मारे, चलो मेरे मंत्रो, मेरे गुरु का मंत्र साचा पिंड कांचा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो आपको याद ही होगा जो गुरु गोरखनाथ थे वो बड़े ही प्रतापी संत हुए हैं, ऐसे तांत्रिक जो कि अनेक विद्याओं के धनी थे। और ये सब उनको कहाँ से मिला आप जानते हैं? उनके गुरु थे मच्छिंद्रनाथ। अब उनको मच्छिंद्रनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मछली के रूप में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब भगवान शिव तंत्र का ज्ञान दे रहे थे उस समय पर जो मच्छिंद्रनाथ हैं वो उसी तालाब में थे, और भगवान शिव जो हैं माता पार्वती को वो सारा ज्ञान दे रहे थे, और चुपके से मच्छिंद्रनाथ जो हैं मछली के रूप में वो सारा ज्ञान अर्जित कर रहे थे, और वो सारा ज्ञान जो है इन्होंने गुरु गोरखनाथ को दे दिया। तो जितना भी तंत्र है, जितने भी मंत्र हैं, सबके धनी हैं मच्छिंद्रनाथ जी। तो यदि आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तंत्र के क्षेत्र में तो मच्छिंद्रनाथ जी को बनाइए, गुरु गोरखनाथ जी को बनाइए। ये इतने चमत्कारी हैं कि अभी इस धरा पर नहीं है लेकिन अभी भी वो यहाँ पर विचरण करते हैं। उनके जो मंत्र हैं वो आज भी अपना प्रभाव ठीक उसी प्रकार दिखाते हैं जैसे कि पहले दिखाते थे। और ये जो मंत्र हैं ये कीलित नहीं हैं, ये एक ही दिन में अपना काम शुरू कर देते हैं। सिर्फ दो प्रकार के जो मंत्र हैं वो बचे थे जो कि कीलित नहीं किए गए थे, एक शाबर मंत्र और एक जो स्त्री का तंत्र है। ये दोनों जो तंत्र हैं इनको छोड़ दिया गया था, ये बच गए थे। तो इस मंत्र को आपने किसी भी शुभ मुहूर्त पे 1008 की संख्या में जाप करना है। जाप करने का विधान कुछ ऐसा है कि इसके विधान काफ़ी सारे हैं लेकिन आपके लिए मैं सुगमता वाला एक बता देता हूँ जिससे कि आप आसानी से कर सको, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसको शमशान में जाकर सिद्ध किया जाता है। लेकिन इसके 3-4 उपाय हैं, उसका जो सबसे आसान वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, पीली सरसों लीजिए, मीठे हवन की सामग्री लीजिए, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए वो उससे काम चल जाएगा, थोड़ी सी इसमें जो है जौ मिलाइए, और आप इसको इस तरीके से लीजिएगा कि आपको 1008 बार मंत्र को बोलना है, उसकी आहुतियाँ देनी है। शुद्ध घी लीजिएगा, अगर तगर लीजिएगा, और आपको जो है लोबान लेनी है, शुद्ध लोबान। इन सबको मिक्स करके आपको जो है 1008 मंत्र बोलते हुए किसी भी शुभ मुहूर्त पर, जैसे कि होली होगी, दिवाली होगी, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, या जैसे जन्माष्टमी होगी, किसी भी ऐसे मुहूर्त पे जो कि शुभ हो, यथासंभव ये सारा जो सामान है इसको एकत्रित करें और हवन करें। हवन होना चाहिए आपका ज़मीन के अंदर, लोहे के किसी भी मर्तबान में, किसी भी ऐसे डब्बे में नहीं होना चाहिए, आपको भूमि के अंदर करना है, जैसा कि वैदिक काल से चला आ रहा है। जो हवन असली होता है या तो किसी मंदिर में जाइए या फिर किसी ऐसी जगह पर बनाइए जहाँ पर कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे।
पूर्वमुखी होकर आपको ये अनुष्ठान करना है। जब 1008 की संख्या पूरी हो जाए तो आपको इस मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। अब इसके बाद जब भी कभी आपकी जो भी प्रेमिका है, प्रेमी है, वो आपको दिखे तो उसकी तरफ देखकर आपको एक बार ये मंत्र बोल देना है। तो ये तीनों शक्तियां जो हैं उस पर अपना काम करना शुरू कर देंगी। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि ये कितने दिनों में काम करेंगी। तो हताश ना होइएगा, एक बार यदि आपने ये मंत्र लगा दिया तो इंसान जो है वो गोली से बच सकता है, इस मंत्र से नहीं। इतना प्रभावी है ये। और आपने किस तरह से तपस्या की है, किस तरह से वो जो 1008 की संख्या में मंत्र जप करने थे उसमें आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन लगाया है, किस तरह से आपने जाप किया है, वो सब कुछ काउंट होगा। तो बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ इसको कीजिएगा और फिर जैसे ही असर दिखे मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो तो मुझे मेल कीजिएगा info@mohiniavidya.com। धन्यवाद।